हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जी एसएम। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोग का। बूम बाम बोलती पब्लिक। तो आज थोड़ा पहले निकला घर से, करीब एक घंटा पहले निकल गया एयरपोर्ट पे 12 के पहले। आज मैंने एक बुकिंग ले लिया खार घर का, उबर का। उबर दिन ब दिन फेयर कमी करते जा रहा है भाई साहब। तो खार घर का जो बुकिंग मुझे मिला, आज मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, सीएनजी वगैरह आज फुल किया, एयरपोर्ट पे जाके फुल किया। मैं एयरपोर्ट पे जाता था, जब अगर एयरपोर्ट पे जाना होता है ना तो मैं एयरपोर्ट पे ही सीएनजी फिल करता हूँ। सीएनजी 240 टोकन था मेरा और ओला का 400 था, तो उबर का 240 टोकन था जब मैं पहुंचा एयरपोर्ट पर। तो धीरे धीरे मैं सीएनजी की लाइन में था, तो वहां पे मुझे 115-120 आ गया। तो मैं समझ गया एयरपोर्ट के अंदर तक जाते जाते अपने को बुकिंग आ जाएगी। तो मैंने चलना शुरू किया और जैसे एयरपोर्ट के गेट क्रॉस किया, अंदर एंट्री करने ही जा रहा था, वैसे मुझे उबर मेरा टोकन आ गया और मुझे तुरंत उबर एक पहला बुकिंग बचता है खार घर, तुरंत उठा लिया मैंने। मैंने बोला उठा लेता हूँ, फिर वेट करके फायदा नहीं। 32 किलोमीटर का 680 रुपया मिला है और 45 रुपये वहाँ पे टोल भी मिला है। तो 680 और प्लस 45, 725 रुपये मुझे मिल गए पहली बुकिंग। 11:30 बजे करेंट लगा था फ्रेंड, ये देखो 10:23:30, 11:30 बजे ये बुकिंग लगी है और 680 रुपया और प्लस 45 रुपया 1024 रुपये 34 रुपये कुछ फेयर हो रहा था। तो आप लोग देख लो किस हिसाब से मुझे पैसे मिले। एक घंटा 12 मिनट लग गया और खार घर में आके अभी खड़ा हूँ। सामने की तरफ थ्री मंकी है, मतलब मेट्रो की तरफ नहीं हूँ मैं, इस साइड हूँ, राइट साइड में था मैं। थ्री मंकी इधर है मेरा और मेट्रो भी उस साइड है, तो इस साइड वाले खार घर पे हूँ मैं। और देखता हूँ यहाँ से बुकिंग वगैरह लगता है कि नहीं, और यहीं पे इंतजार करता हूँ। और इधर उधर डोल फील के फायदा नहीं है, ओला उबर दोनों वहाँ पे ऑन है और इन ड्राइवर भी ऑन करता हूँ और देखता हूँ क्या हिसाब से बुकिंग है आज, काम क्या हिसाब से होता है, कैसे क्या होता है। आप लोग पूछते हो ओला उबर क्या रुपए से किलोमीटर देता है, तो भाई ये लोग का कुछ सिस्टम समझ में आता कब कितना पैसा देते हैं, क्या हिसाब से देते हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। अभी जैसे एयरपोर्ट से सर्च बुकिंग में लाया, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे 33 किलोमीटर का इन्होंने मुझे 680 रुपया दिया है। तो उसी से अंदाजा लग लो, हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी यहाँ से अभी अगर 33 रुपये किलोमीटर का मुझे एक एयरपोर्ट का बुकिंग लगता है तो 500 भी मिल जाए तो बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। 470-460 रुपये मिलेगा अगर यहाँ से एयरपोर्ट रिटर्न बुकिंग मिलता है। तो इस तरह से लोगों का फेयर काउंट होता है, कब क्या फेयर है कुछ भी ये लोग का फिक्स नहीं है, कोई रूल्स है रेगुलेशन नहीं है। जितना दे दे अपने मन से, जितना कस्टमर से ले ले, उतना ही समझो ये लोग का जनता। तो चलो नेक्स्ट अपडेट आपको देता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है खार घर से। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ थाने, वसंत विहार वाटर हेड टैंक के पास खड़ा हूँ मैं। स्टेशन से खाली आ रहा हूँ 4 किलोमीटर थाने स्टेशन, पैसेंजर को ड्रॉप करके। तो ड्रॉप पिक मतलब वन स्टॉप के साथ एक ओला का बुकिंग आया था मुझे विक्रोली सा। तो पहला बुकिंग जैसा कि आज मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट से मैं लेके गया था खार घर, 725 कुछ रुपया मिला था मुझे। वहां जाने के बाद छोटा मोटा बुकिंग बज रहा था गंदा फेयर वाला, तो एक इन ड्राइवर बहुत बज रहा था वहां पे, तो कुछ फेयर समझ में नहीं आ रहा था। तो एक ठीक ठाक फेयर का मुझे इन ड्राइवर बजता है, मैंने वो बुकिंग तुरंत एक्सेप्ट किया और मुझे मिल भी गया। और जो बुकिंग मुझे मिला था 424 रुपया T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिला था मुझे, 424 रुपया मुझे मिला है 33 किलोमीटर का, प्लस यहाँ पे 45 टोल कस्टमर से अलग से लिया मैंने। तो इस तरह से यहाँ पे 480 रुपया 470 रुपया यहाँ पे ये मुझे मिलता हुआ वहां पे। एयरपोर्ट से तुरंत बाहर गया क्योंकि 8 बजे के पहले बहुत ही गंदा फेयर मिलता था। रुक के कुछ सेस भी बनता, मैं चलता हूँ विक्रोली थोड़ा सा आराम करता हूँ। तो विक्रोली आया, गाड़ी वगैरह लगाया, थोड़ा आराम करने का मूड हुआ, वैसे मुझे ओला का एक बुकिंग आता है जनता, ओला का बुकिंग आता है थाना स्टेशन का था। फेयर कुछ ठीक ठाक लगा, मैं बोला चलो ले लेता हूँ, 14-15 किलोमीटर है, वहां जाके आराम कर लेंगे, बसंत विहार अड्डा पुराना अड्डा। तो उसका जो फेयर मिला मुझे 268 रुपया 14 किलोमीटर का मिला, देख लो। और इन ड्राइवर वाला मैंने आपको नहीं दिखाया, इन ड्राइवर वाला भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कमीशन 470 रुपया फेयर हुआ था, कमीशन वगैरह काट के 424 रुपया मुझे मिला है और 45 रुपया टोल एक्स्ट्रा मिला है, जो हो जाता है यहाँ पे 470 रुपये। और पहले बुकिंग का मुझे मिला था कुछ 625, तो 4, 6, 10, 1100 रुपया यहाँ पे हो गया था मेरा 7। तो इस तरह से जो काम हुआ पहले बुकिंग में 725 और यहाँ 470 रुपया कुछ मिला है, तो इस तरह से 4 और 7, 11 और ये हो गया एक 1200 रुपया। और अभी ओला का जो मुझे बुकिंग मिला है 268 रुपया, 1200, 14, 1468, 1470 यानी 1450, 1450 रुपये का काम हो चुका है। और जो टाइम हो रहा है 6:04 सुबह का हो रहा है और गाड़ी चला लिया मैंने 100 किलोमीटर पूरा,
100.2 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला लिया, आधा सीएनजी अभी भी है मेरे पास, और यहाँ रुकता हूँ और देखता हूँ कौन सा बुकिंग मिलता है, कहाँ का मिलता है, क्या मिलता है, थोड़ा सा एक घंटा आराम करता हूँ, उसके बाद यहाँ से बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अभी आज शुक्रवार की रात में निकला था, शनिवार हो चुका है फ्रेंड, शनिवार रविवार को कोई सर्ज वगैरह नहीं मिलता मुंबई में, सब नॉर्मल फेयर है, जो भी बोले एक्सेप्ट करो, यही कहानी है भाई अपना। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड घर पे आ गया हूँ, और जो घर पे आया हूँ ना मैं 9 बजे ही घर पे आया, 9:45 बजे घर पे आ गया। थाना में जो मैंने बताया था वाटर हिडन बसंत विहार रुका था मैं, तो नींद आ रहा था मुझे, मैं सो गया उतरी, बुकिंग्स बज रहे थे इन ड्राइवर वगैरह में, मैंने ध्यान नहीं दिया, सो गया वहां पे थोड़ा सा, करीब 2 घंटा वहां पे सोया, 1.5-2 घंटा थोड़ा सा आराम लिया मैंने, उसके बाद बुकिंग्स बजना स्टार्ट हुआ। तो एक बुकिंग बजता है मेरे घर के पास का ही, तो बुकिंग जो बजता है वो गोंडी है मोड़ का बजता है, मैं बोला चलो उठा लूं वहां से, घर पे चले जाऊंगा आज के लिए बस इतना ही। तो गोंडी ए मोड़ का जो बचा वो मुझे बजा था 8:09, थाना से ही बजा था वहीं से, और 23 किलोमीटर था, 316 रुपया फेयर मिला है, शनिवार हो गया, बहुत ही कम फेयर मिलेगा, और 45 रुपया टोल भी मिला है, 32 मिनट खाली लगे मैंने पैसेंजर को, मैंने ड्रॉप किया करीब 24 किलोमीटर, 316 + 45 यानी करीब 360 रुपया मिला मुझे। ये देखो ये उबर का है, शनिवार रविवार को फेयर एकदम गंदा है, आज तो फेयर पूछो ही मत, डेली के हिसाब से आज तो एकदम ही फेयर खराब हो गए, तो रात में जो बज रहे थे फेयर ना, तो एकदम लेने लायक ही नहीं था, ऐसा फेयर बज रहा था। तो इस तरह से जो आज काम हो गया 1800 का काम हो गया, घर आते समय तक 126 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया है, अभी भी सीएनजी कितना अभी आप लोग को दिखा दूंगा, 4 पॉइंट सीएनजी है और 126 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला लिया। तो एक तरह से जो आज काम किया है 10 घंटा मैंने काम किया है, 10 घंटे का ये टोटल कमाई है, 10 घंटे का ही ये काम है। तो 10 घंटे में भाई देखो यही से इतना ही काम होता है, ये रात का बता रहा हूँ मैं, दिन में ये काम अच्छा हो सकता था, दिन में 2500 का काम हो सकता था अगर आप करना चाहो तो, रात में 2000 तक काम हो जाता है अगर मेरे टाइमिंग पे निकलो तो 11-12 बजे। तो चलो फ्रेंड्स आज फिर से निकलते हैं और अच्छा काम देखते हैं, काम के हिसाब से आज फिर से ट्राई करेंगे, टारगेट फिर से 2500 का ही लेके चलेंगे, मिनिमम टारगेट मेरा 2500 का रहता है जो कि 2 दिन से नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट डे कल देखेंगे, शायद आज रात में आज कर लूं मैं, क्योंकि आज शनिवार की रात होने वाली, थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे और फटाफट फिर से काम स्टार्ट करेंगे जनता। तो चले भाई साहब बूम बाम।